उसकी मम्मी ने उसे बुरी तरह से पीटा। हिज मदर बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू मतलब बुरी तरह से पीटना। ओके, तो यू कैन से हिज फादर बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। यस, ईजी। मुंह मत बनाओ। कई लोग हर बात पे मुंह बनाते रहते हैं ना, अलग अलग तरह के फेसेस, तो उनके लिए ये फ्रेज यू कैन से यूज मेक फेसेस। ओके, सो डोंट मेक फेसेस, और यू कैन से डोंट मेक अ फेस, यानी कि मुंह मत बना। ठीक, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यह कार मेरे लिए बहुत खर्चीली है, तो इसके लिए हम फ्रेज यूज़ करेंगे वाइट एलिफेंट। बहुत खर्चीली कोई चीज़ हो तो उसके लिए हम वाइट एलिफेंट फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो द सेंटेंस विल बी दिस कार इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर मी। और इन द सेम वे, इफ़ एनी ज्वेलरी इज़ सो एक्सपेंसिव देन यू कैन यूज़ दिस ज्वेलरी इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर मी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इट्स वेरी कॉमन फ्रेज, बाजी मारना या बाजी पलट देना। यस, जैसे कि विराट कोहली ने मैच में बाजी पलट दी, है ना, सो यू कैन से विराट कोहली टर्न द टेबल्स और ही टर्न द टेबल्स। और इफ द लेडी इज़ देयर लाइक पीवी सिंधु टर्न द टेबल्स और सेरेना विलियम्स टर्न द टेबल्स। यस, सो उसने बाजी पलट दी। आग में घी मत डालो। तो जैसे कोई बात भड़का रहा हो, कोई किसी चीज़ किसी लोग को कुछ बात में घी डालना, यानी कि कोई बात भड़काना। सो देन हाउ यू कैन मेक द सेंटेंस, जस्ट इट इज़ लाइक दैट। डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर। फ्यूल मतलब क्या होता है, आपका पेट्रोल डीजल। सो यू कैन से डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी घी मत डालो। ओके, नाउ लेट्स वन। हम इस मामले में कभी भी सहमत नहीं होंगे, इफ़ यू आर नॉट एग्री विद दैट मैटर। सो व्हाट यू कैन से, वी विल नेवर सी आई टू आई ऑन दिस मैटर, यानी किसी बात पर साथ में सहमति नहीं होना पे आई टू आई यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसने मुझे अनसुना कर दिया, यानी कि निगलेक्ट कर दिया। ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टू मी, यानी कि मेरी बात सुन के भी उसने अनसुनी कर दी। डीफ ईयर, यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ फ्रेज। मेरा भतीजा मेरी आंखों का तारा है। एप्पल ऑफ माय आई, यानी कि बहुत दुलारा होना, बहुत प्यारा होना। सो यू कैन से माय सन इज़ द एप्पल ऑफ माय आई, और यू कैन से माय नेफ्यू इज़ द एप्पल ऑफ माय आई, और माय डॉटर इज़ द एप्पल ऑफ माय आई। यू कैन यूज़ इन एनी वेज। ओके, मुंह मत लटकाओ। किसी बात पे कोई बहुत नाराज सा है या बहुत दुखी है या मुंह लटका के बैठा हुआ है, देन यू कैन से डोंट पुल अ लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस मतलब यहाँ पे मुंह लटकाने के लिए बोला जा रहा है। ओके, मैं तुम्हें ज़रूर सबक सिखाऊंगा। आई टीच यू अ लेसन, है ना, सबक सिखाने को टीच यू अ लेसन, यानी कि आप किसी को धमका रहे हैं या आप कुछ बताना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में। सो यू कैन से आई टीच यू अ लेसन। नेक्स्ट फ्रेज है स्पीक इल, यानी कि बुराई करना। तो हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट स्पीक इल ऑफ एनी वन। स्पीक इल मतलब बुराई नहीं करना। ओके, और स्पीक इल मतलब बुराई करना, तो हमें बुराई नहीं करनी चाहिए। सो यू शुड नॉट स्पीक इल ऑफ एनी वन। अब अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है या कोई पेशेंट है वो बहुत बीमार है, तो अगर वो खतरे से बाहर आ गया है, आईसीयू से बाहर, तो व्हाट यू कैन यूज़, द पेशेंट इज़ नाउ आउट ऑफ द वुड्स। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, वुड्स को हम इंग्लिश में या हिंदी में यू कैन से जंगल जंगल बोलते हैं। तो यू कैन से कि पेशेंट जंगल से बाहर आ गया है, और यू कैन से खतरे से बाहर आ गया। सो इन दिस वे यू कैन ईजिली रिकॉल दिस फ्रेज। हर किसी को ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, तो उतार चढ़ाव को हम इंग्लिश में बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स। सो अगर सेंटेंस में यूज़ करना हो, सो यू कैन से एवरी वन हैज़ टू फेस अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ और इन द लाइफ और इन हर लाइफ। यस, तुम मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो, यानी परेशानी में क्यों पड़ रहे हो। मुसीबत मोल लेना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आस्किंग फॉर ट्रबल। सो लेट्स सी वन एग्जांपल। व्हाई आर यू आस्किंग फॉर ट्रबल्स, यानी कि तुम मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो। तुमने मुझे जानबूझकर धक्का दिया। ये तो अधिकतर आपको ये फ्रेज सुनने में मिलता है, जानबूझकर किया, तो उसके लिए यू कैन यूज़ ऑन पर्पज़। ओके, सो हाउ कैन
वी यूज इन द सेंटेंस यू पुश्ड मी ऑन पर्पस, यानी कि जानबूझकर धक्का दिया। मैं शुरुआत से अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ, तो शुरुआत से अंग्रेजी सीखना यानी शुरुआत से के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। यस, सो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच। और यू कैन से फ्रॉम ज़ीरो, यस दिस इज़ ऑल्सो मीन्स लाइक शुरू से इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। अगर मैं बोलूँ बहुत दुखी होता हूँ या बहुत दुखी होना, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेज फील ब्लू। जब भी मैं दुखी होता हूँ मैं गाना सुनता हूँ, वेन एवर आई फील ब्लू आई लिसन टू म्यूज़िक। ओके, सो फील ब्लू मतलब बहुत दुखी होना। यस यू कैन रिलेट, है ना। वह कभी कभार ही यहाँ आती है या आता है। She comes here once in a blue moon, यानी कभी कभार आना है मतलब blue moon होना है, क्योंकि blue moon जो है वो normally नहीं दिखता है, बहुत rare में आता है। So you can use कभी कभार के लिए blue moon। वह अब अच्छी हालत में है, अच्छी हालत के लिए हम pink color, you can see all the colors are used in the phrases so nicely। He is in the pink now, in the pink now मतलब बहुत अच्छी हालत में है, स्वस्थ है, ठीक है, not having any disease or any problem। So that's you can say he is in pink now। पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया, तो रंगे हाथों पकड़ने के लिए बोलते हैं रेड हैंडेड। द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड। उसके बॉस ने नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए उसे अनुमति दी, यानी कि कुछ भी काम शुरुआत करने के लिए अगर कोई अनुमति देता है, सो यू कैन से ग्रीन लाइट, है ना, उसने ग्रीन लाइट दी। सो द सेंटेंस विल बी लाइक दैट, हिज बॉस गेव हिम और हर the green light to start the new project। yes, तो अनुमति देने के लिए you can use the phrase green light। सफ़ेद झूठ मत बोलो। yes, सफ़ेद झूठ मतलब एकदम clear झूठ है, तो उसके लिए you can say don't tell a white lie। lie मतलब झूठ बोलना होता है, और सफ़ेद झूठ के लिए हम you can know सफ़ेद को इंग्लिश में white बोलते हैं, so that can be white lie, don't tell a white lie। 15 अगस्त हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, तो महत्वपूर्ण दिन को यानी इम्पॉर्टेंट डे को डिनोट करने के लिए यू कैन यूज़ अ रेड लेटर डे। ओके, सो 15 अगस्त इज़ अ रेड लेटर डे फॉर अस, और 26 जनवरी इज़ अ रेड लेटर डे फॉर अस। वह एक नौसिखिया है, नौसिखिया को इंग्लिश में नोवाइस बोलते हैं, बट अगर उसको फ्रेजेस में कन्वर्ट करके बोलना है, सो वी कैन से लाइक ही इज़ अ ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न मतलब एक नौसिखिया। ओके, सो यू कैन ईजिली रिलेट ग्रीन हॉर्न, उस पर नज़र रखना। ओके, इट्स वेरी इजी एंड वेरी कॉमन फ्रेज। नज़र रखने के लिए हम यूज़ करते हैं आई ऑन हिम। ओके, आई ऑन, सो यू कैन से उस पर नज़र रखना, कीप एन आई ऑन हिम, और या उन पर नज़र रखना, कीप एन आई ऑन देम, और या उस गर्ल पर नज़र रखना, तो कीप एन आई ऑन दैट गर्ल। यस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फ्रेज, इट्स वेरी ईजी। हम 24 घंटे यानी रात दिन काम कर रहे हैं, 24/7। सो वॉट यू कैन यूज़ वेरी नाइस फ्रेज, राउंड और अराउंड द क्लॉक। यस, सो हाउ इज़ इट लाइक इन द सेंटेंस, वी आर वर्किंग राउंड और अराउंड द क्लॉक। यस, इट मीन्स 24/7। वह मेरी बहुत तारीफ करता है, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा तारीफ करे, तो उसके लिए यू कैन से ही स्पीक्स हाईली फॉर ऑफ मी। हाईली मतलब बहुत हाई तरीके से, यानी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हुए बात करना। यस, सो ही स्पीक्स हाईली ऑफ मी, यानी वो मेरी हर चीज़ के लिए मेरी बहुत ही तारीफ करता है। नाउ यू कैन सी अ कॉमन फ्रेज, घुमा फिरा कर बात करना, डोंट बीट अबाउट और अराउंड द बुश। सो कभी भी कोई इधर उधर बातें घुमा घुमा के बातें करे, तो हम उसके लिए ये फ्रेज बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, डोंट बीट अबाउट द बुश और डोंट बीट अराउंड द बुश। Okay, I hope you understand all these phrases well. Necessarily, these are very common phrases. है ना, तो ये phrases आपकी day to day life में ज़रूर काम आने वाली हैं। अगर आपको ये video अच्छा लगा है, तो you can hit a like button, subscribe the channel and share to your friends. Or if you want to comment, then it really makes me happy. I hope you like it. Then take care. Bye-bye. Keep smiling.